मैंने आपको पिछले वीडियो में अभी बात करी थी कि आप अपनी विश कैसे पूरी करते हैं, तो उसमें मैंने 3 वर्ड्स का प्रयोग किया था, पॉजिटिविटी और पुण्य और पाप। पाप और पुण्य के बारे में तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगी इस बारे में, और अभी मैं आपसे पॉजिटिविटी के बारे में बात करती हूँ जिससे आपको अपनी विश पूरी करने में सहायता मिले, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपकी रहेगी तभी आपकी विश पूरी होगी। आप आज स्थिर रहेंगे कि हम आज हम ये अपना हमको मिल जाए, कल हमको वो मिल जाए, तो ऐसे फिर आपको प्रकृति जो है हर चीज़ आपको देती है। जो आप प्रकृति से मांगोगे तो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अब आपने एक चीज़ मांगी और फिर दूसरी चीज़ मांग ली तो वो एक चीज़ आगे रास्ते आई और फिर वो वापस चली गई, फिर दूसरी चीज़ आई वापस चली गई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको स्थिर रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव आप कैसे रहेंगे? पॉजिटिव करने के लिए आपको इच्छा शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इच्छा शक्ति आपकी रहेगी तो आप पॉजिटिव रहोगे। अब वैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिव तो आप जानते हैं कि भाई ईर्ष्या द्वेष जितनी बुराइयां हैं सबकी बुराई करनी, ये सब नेगेटिविटी है। क्रोध तो हमारे आसपास सब यही सब चीज़ें हो रही हैं, संसार में, हमारे आसपास, घर में, सब ये नेगेटिविटी है। तो हम नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिविटी चाहिए, तो हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिविटी क्या है मैं आजको आपको बारे में बताती हूँ। उसके बारे में, एक बच्चे को हम किसी को गोद में पकड़ते हैं, गले लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ठंडा पड़ गई। तो वो गले में लगा के जब हम उसको सीने से लगाते हैं तो जो आभास भाव आता है अंदर, वो जो है पॉजिटिविटी है, अच्छा लगना। हम जो है मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमें शांति मिलती है, गुरुद्वारे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की, वहाँ सब हम लोग भगवान की बारे में बातें करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण तो पॉजिटिव है, हम लोग नेगेटिव है ना, तो वहाँ पर जो है वहाँ शांति मिलती है, ये शांति पॉजिटिविटी है। संतों से हम लोग मिलते हैं, संत जो है वो भगवान के बारे में बातें करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, वो उनका गुणगान करते हैं, उनसे बात करते अच्छा लगता है, तो वो जो वाइब्रेशन आती है वो पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ पॉजिटिविटी है, तो इसी को हमको बनाए रखना है। तो सब कहते हैं पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना रहिए, सब ये ज़्यादातर यही सब कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहे ये बहुत कम लोग बताते हैं कि पॉजिटिव हम रहें कैसे। क्योंकि तो अभी हम पॉजिटिव सुन लेंगे कि हाँ पॉजिटिव हो गए, उसके अगले क्षण से नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिविता बनाने के लिए क्या करना है? जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है बच्चे को एक गले से लगाते हैं तो ठंडक पड़ती है, मतलब अंदर सीने से लगाने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अब बच्चा तो अनजान है, उसके मन में तो कोई बुराई नहीं, कोई छल द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ईर्ष्या नहीं, तो वो इसी की पॉजिटिव है। आपको बच्चा बनना है, मैं आपको पूरा निचोड़ बता दे रही हूँ। पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा एक निचोड़ बताया था, मैंने ये नहीं बताया आपको, भटकाया अपने रास्ते से कि आप ये पूजा कर लीजिए तो आपको जो है ये मिलेगा, ये पूजा कर लीजिए तो आपकी ये विश पूरी होगी। वही मैं आपको एक निचोड़ सार, जिसको बोलते हैं ना, चाहे टीचर बच्चे से कहता है कि आप एक समरी लिखिए एक स्टेंजा की, तो वही समरी जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बच्चा बन जाइए। बच्चा क्या मतलब? शरीर से तो आप बच्चा बन नहीं सकते, मन से आपको बच्चा बनना है, बिल्कुल छल कपट से रहित। आप जब बच्चा बन जाएंगे, छल कपट से रहित हो जाएंगे, तो आपको पॉजिटिविटी रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सारी विश पूरी होगी। तो आप मांगेंगे प्रकृति से सब मिलेगा, आप उसको कह देंगे हमें ये चाहिए चाहिए, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।